हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में उससे संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सभी छात्र देखें, इसमें हम एक जो नियम बताना चाह रहे हैं कि दो फलनों का गुणनफल दिया हुआ है, उसका समाकलन करना चाहते हैं। तो उसका नियम क्या है कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन गुणांक इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, ठीक है, और उसका का समाकलन। तो यहां से हम उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि हमको दो फलन दिए हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। तो हमको यहां दो फलनों का गुणनफल दिया हुआ है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम फलन को हम कुछ नहीं करेंगे, फिक्स रखेंगे, और द्वितीय का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन गुणांक। तो अवकलन एफ एक्स का अवकलन गुणांक करेंगे, लेंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इन दोनों पार्ट्स का जो मान आएगा उसका समाकलन करेंगे। क्लियर? तो ये आपका नियम है, इस नियम को ध्यान रखेंगे, इसी पे बेस्ड हमको क्वेश्चंस देखना है। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 7.6, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करिए। तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे फंक्शन और इसको सेकंड। आप इंटीग्रेशन का जो नियम है उसको लगाइए, तो क्या करेंगे, एक्स को इस तरह रखा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन और साइन एक्स का इंटीग्रेशन, इन दोनों पार्ट्स का जो प्रोडक्ट होगा उसका हम इंटीग्रेशन ज्ञात करें। क्लियर? तो हम यहां देखते हैं कि एक्स साइन एक्स कंटीशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो यह हो जाएगा आपका माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स प्लस सी, यह आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4th में देखते हैं, 4th में आपको इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स को हम फर्स्ट लेके चलेंगे और एक्स को सेकंड इंटू डी एक्स। तो हम यहां देखते हैं कि लॉग एक्स को आपने यहां पर फिक्स रखा और एक्स का इंटीग्रेशन किया माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, इन सब का टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां वैल्यू देखेंगे आप लॉग एक्स और यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस लॉग एक्स का डिविजन कितना होता है, वन अपॉन एक्स और इसका मान होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू डी एक्स। इसको और सिंपल करिए, एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू लॉग एक्स माइनस वन बाई टू कॉमन निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट। तो इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर
अपॉन 4 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सभी छात्र देखें कि इसका मान करते हैं, इंटीग्रेशन ई एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसको भी फिक्स रख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स का डिफरेंशिएशन और ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इंटू ई एक्स। तो इसको आगे सिंपल करते हैं, ई एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो हम यहाँ देखते हैं कि यह वैल्यू और यह वैल्यू कैंसिल हो जाती है, तो इसका मान आ जाएगा ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम यदि इसमें मान लेते हैं, माना एक्स इक्वल टू टेन थीटा, क्लियर, तो साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स साइन टू थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी टू थीटा के इक्वल, क्लियर। तो डी एक्स कितना होगा, टेन एक्स का डिफरेंशियल होगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, क्लियर। तो हमको इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना है, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और x की वैल्यू पुट करने पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी टू थीटा और डी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो आप इसको टू थीटा को फिक्स रखा, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन टू थीटा का डिफरेंशिएशन वन इंटू टेन थीटा डी थीटा। प्लस कांस्टेंट, अब हम टेन थीटा का इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो आप यहां देखेंगे कि टू थीटा टेन थीटा माइनस टू, टेन थीटा के लिए आप इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू डी थीटा प्लस सी, क्लियर। अब हम यदि कॉस थीटा को टी मानते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो ये आ जाएगा लॉग टी आ जाएगा, टू थीटा टेन थीटा माइनस माइनस प्लस टू लॉग कॉस थीटा प्लस सी। अब इसमें हम थीटा का मान वापस पुट कर देंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो थीटा का मान वापस रख दीजिए, थीटा क्या माना है, थीटा के थीटा का मान कितना रखोगे आप, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो यहां देखेंगे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो इसके बाद आ जाएगा मान टू थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स और टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो यहां एक्स को पहले लिख दीजिए, प्लस टू लॉग कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए आपको यहां देखेंगे कि वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। क्लियर? तो यहाँ पर जब हम लॉग लेंगे साथ में, तो लॉग कॉस थीटा इक्वल माइनस वन बाई टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह माइनस वन बाई टू और टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, इसको आप नोट कर लें और इसको इसी प्रकार से, इसमें और भी क्वेश्चन दिए होंगे एक्सरसाइज के, वो सारे आपको क्वेश्चंस करना है। थैंक यू।